that of creating tables in design view and datasheet view, and what are their data types. आज लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन व्यू में फील्ड नेम्स और डेटा टाइप्स क्रिएट की थी. हमने एक टीचर का टेबल जो है वो क्रिएट किया था, राइट क्लिक करके उसे सेव किया था विद दिस नेम, एंड देन जो है वो आईडी उसका ऑटो नंबर में हमने डेटा टाइप जनरेट की थी. और हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो हम देंगे वो ये कि ये टीचर आईडी है. उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट नेम जो है वो टीचर नेम, डिस्क्रिप्शन में टीचर नेम है. उसके बाद टीचर का सब्जेक्ट क्या है, या टीचर प्रोफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि टीचर की महारत किस में है. ठीक है, उसके बाद जो उसकी सैलरी यानी कि टीचर की मंथली सैलरी कितनी है टीचर की, वो इसमें हम देखेंगे. क्वालिफिकेशन टीचर की कितनी है, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी किस में है सब्जेक्ट, और क्वालिफिकेशन जो है वो हम देखेंगे कि वो एमए है या और एमफिल है या पीएचडी है एंड सो ऑन. एड्रेस जो है वो उसमें हम लोकेशन देखेंगे, टीचर कहाँ रहती हैं. ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है. उसके बाद ये चीज़ फर्दर जो हम लास्ट टाइम हमने देखा कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमने जो भी टेबल बनाते हैं डेटाबेस में, वो दो तरह के व्यू होते हैं. एक हमारे पास होता है डेटा शीट व्यू, एक होता है डिज़ाइन व्यू. ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये बेसिकली बनाया है हमने, ये एक डिज़ाइन व्यू है और ये हमारी टीचर की जो है वो प्राइमरी की है, जिसे हमने राइट क्लिक करके सेट किया हुआ है. अब हम इसके डेटा शीट व्यू में जाएंगे, जिसमें हम जो है इसको सेव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फिर डेटा शीट व्यू में जाएंगे जहाँ हमने एंट्रीज़ कुछ क्रिएट की थी लास्ट टाइम, कि टीचर्स जो हैं वो सब्जेक्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है. अच्छा, ये नेम जो है वो अक्सा है, सब्जेक्ट इनका स्टैट है, सैलरी इनकी जो है वो और इन्होंने स्टैट में जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, और ये रहती हैं बिल्ला टाउन में. ठीक है, ये मून मार्केट में रहती हैं लाहौर में. उसके बाद एक छोटी नाज है और इनका सब्जेक्ट है बॉटनी. फोर्टी परसेंट की सैलरी है, इन्होंने भी एमएससी बॉटनी की हुआ है. बेसिकली दान में रखी है. ठीक है, ये हमने इनकी बेसिकली लोकेशन दी है. उसके बाद हम इसको जो है वो सेव कर देंगे. चार टीचर्स हमने बेसिकली ऐड किए और ये हमारा डेटा शीट व्यू. और डेटा शीट व्यू में हमारे पास कॉलम्स हैं और ये डिफरेंट कॉलम्स हैं और उनके अंदर हमने एंट्री की है स्पेसिफिक जो हमने चाहिए थी. उसके बाद जो है वो फर्दर हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा, ये हमारा बेसिकली डिज़ाइन व्यू है. डिज़ाइन व्यू जो हम बना चुके हैं इसको हम ट्रिगर करते हैं डिज़ाइन व्यू की तरफ. ये डिज़ाइन व्यू है. डिज़ाइन व्यू के अंदर हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं. डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स हैं, टेक्स्ट हो गया, नीमो हो गया, नंबर हो गया, डेटा टाइम, डेट एंड टाइम हो गया, करेंसी हो गया, ऑटो नंबर हो गया. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऑटो नंबर डेटा टाइप है ना,
ये नीचे आपको इसकी जनरल नज़र भी आ रहा है। फाइल साइज़ जो इसका लॉन्ग इंटीजर है, इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे आपने ऑटो इंक्रीमेंट करता है, जैसे अगर वन लिखा है तो आगे टू ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो डुप्लीकेट एंट्री, इंडेक्स्ड है ये नंबर और डुप्लीकेट एंट्री इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली स्पीड अप के लिए यूज़ होता है, जो इंडेक्स नंबर होता है सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, और ये डुप्लीकेट जो है उसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, अब इसी की हम डिटेल को डिस्कस करना चाह रहे हैं, डेटा टाइप्स की, के जो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं एमएस एक्सेस में। सबसे पहले हमारे पास जो है वो टेक्स्ट डेटा टाइप है, जो कि अलाउ करता है कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स अप टू 255 करेक्टर्स पर फील्ड रिकॉर्ड। इसको हम इसमें भी देख लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप था ना, ये देखें फील्ड साइज़ जो है 255 है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स यू कैन एंटर इन दिस फील्ड, द लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर जो है वो 255 होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास है मीमो। मीमो जो स्टोर करता है 64,000 करेक्टर्स, यानी कि डिटेल्ड फॉर्म में अगर आपने कुछ लिखना है तो वो आप मीमो में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव होता है, इसको अगर हम चेंज करें मीमो में तो वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं, जैसे बात उतनी मेमोरी लेंगे जितना 64,000 यहाँ पे मीमो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलाउ कर रहा है, ये लंबी चौड़ी इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये लेआउट जो है वो डिस्प्ले लेआउट है फील्ड का, और 64,000 तक हम इसमें वर्ड्स जो हैं स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आ जाता है, नंबर आपको भी पता है मुझे भी पता है, हम इसमें यूज़ कर चुके हैं कि ये स्टोर करता है नंबर्स को, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में नंबर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम है, अगर आपको इस डेट एंड टाइम मेंशन करना चाह रहे हैं इसके अंदर, कोई आपके पास यहाँ पे एंटिटी है कि किस डेट को जो है वो टीचर आया था इसमें, तो इस जॉब में किस डेट को उसने ज्वाइन किया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेट एंड टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो उसका जो डेट एंड टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसमें आ जाएगी। अब इसकी हम ज़रा प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखें कि ये डेट, ये डिफाइन करता है काइंड ऑफ वैल्यूज यूज़र कैन स्टोर इन द फील्ड। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा जिसके मुताबिक डेट एंड टाइम जो है वो पुट करनी होगी, एंट्री करनी होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करेंसी। करेंसी में हम जो है वो डॉलर साइन मोस्टली जो सेटअप टू ऑटोमेटिकली इंक्लूड डॉलर साइन एंड करेक्ट डेसिमल एंड कोमा पोजिशंस, लेकिन पाकिस्तान में PKR यूज़ होता है। ठीक है, तो जो अमेरिकन जो है वो डॉलर साइन यूज़ हो रहा है, तो करेंसी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने अमाउंट को शो करना है। इसको जैसे ये सैलरी है, फर्ज करें कि इसको हम करेंसी में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल प्लेसेस आर टू हैं। ठीक है, और इससे भी मेरा ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेव हम इसको कर देते हैं, उसका डेटा शीट व्यू में चले जाते हैं। सैलरी अगर ये देखें, ये अब रुपीज़ आ गया, ये ऑटोमेटिकली इसमें रुपीज़ ऐड हो गया है। हमने उसका डॉलर साइन सॉरी हमने उसकी करेंसी चेंज की थी, पहले हमने इसको किया हुआ था नंबर में, अब हमने उसको किया उसमें करेंसी फॉर्मेट में, तो इसलिए जो इसकी डेटा शीट व्यू है उसमें इसका जो है ऑटोमेटिकली साइन रुपीज़ का आ गया। वापस हम डिज़ाइन व्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है ऑटो नंबर, ऑटो नंबर में मैं सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हम ऑटोमेटिकली जो नंबर यूनिक असाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता जाता है वन नंबर एंड अबव। तो ये ऑर्डर जो है वो रैंडम ऑर्डर भी हम चूज़ कर सकते हैं, और इट मे बी सीरियली वन बाय वन। सो ईच रिकॉर्ड इन डेटा शीट मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन फील्ड, और जो कि दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और इसके बेस पे जो है वो हम नंबर जो हैं वो आगे इन्हेंस करते जाते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट जो है हमारे पास येस एंड नो। येस और नो तो वहाँ पे आता है जब हमें दो वैल्यू में से कोई एक सेलेक्ट करनी है, जैसे हम अगर यहाँ पे स्टेटस देना चाह रहे हैं
के जो टीचर है वो इस टाइम वर्किंग में है, एक्टिव स्टेटस है उसका, वर्किंग में है। तो यहाँ पे हमने दो ही एंटिटीज ऐड करनी है, या येस या फिर नो। हमारे पास ये बूलियन क्वांटिटी है, तो या तो ये ट्रू या फॉल्स, या येस या नो या जीरो एंड वन में ये हमें आंसर करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेटस बताना है टीचर का कि वो वर्किंग कर रही है या छोड़ गई है, ठीक है। तो इसको, ये भी फील्ड न्यू ऐड हो जाएगी, इसको हम सेव करेंगे। और यहाँ पे उसकी जो डेटा शीट व्यू है उसमें हम, यहाँ पे ये वर्किंग है तो हम टिक कर देंगे, वर्किंग है, टिक टिक टिक, ठीक है। तो इस तरह जो हमने ये कोई डेट एंड टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट एंटर कर सकते हैं, ये भी कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। उसके मुताबिक सेलेक्ट करें, फर्ज करें 16 नवंबर को एक टीचर ने हमारे पास ज्वाइन किया, तो ये 16 की डेट आ गई, ठीक है। इसी तरह जो है हम यहाँ पे भी डेट चूज़ कर सकते हैं नीचे, ये उसके मुताबिक जो है कन्वर्ट द जो डेट एंड टाइम, वो कह रहे हैं कि इसमें मैच नहीं कर रहा। फर्ज करें वो प्रेजेंट में ज्वाइन हुई है, टुडे में, तो अब वो मैच कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो हमने डेट एंड टाइम जो है वो इसमें एंटर करने हैं, और इसके वापस हम जा रहे हैं डिज़ाइन व्यू में। इसको ना इस तरह से हम टच करते जाएंगे, जो हमने देना है ना, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक टीचर हमारे पास 10 को आई है, ठीक है। एक ने 1 तारीख को ज्वाइन किया है, दूसरी ने 1 डेट को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है वो हमारे पास मेंशन कर रही है डेट, और 11 ये मंथ शो कर रहा है, और 2020 जो है वो ईयर शो कर रहा है, ठीक। अब इसको सेव करते हैं, वापस जो है डिज़ाइन व्यू की तरफ चलते हैं। डिज़ाइन व्यू में हम स्टेटस भी मेंशन कर चुके हैं, यस और नो की बुलियन क्वांटिटी को डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर जो है वो OLE जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, दिस इज़ आल्सो अ साउंड पिक्चर और ऑब्जेक्ट जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में या एक्सेल शीट में हम ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कोई हाइपर लिंक जो वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं वो भी हम इसमें दे सकते हैं, और अप टू 4 पार्ट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा, जो टेक्स्ट डिस्प्ले होना है फील्ड में वो लिखा जाएगा, और पाथ होगा या URL होगा वो उसके बाद लिखा जाएगा, और सब एड्रेस होगा उसके आगे कि कोई पेज है उस वेबसाइट का तो वो उसका सब एड्रेस, और जो टेक्स्ट आप टूल टिप पे देना चाह रहे हैं वो। इसकी एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट हमें उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है 4 पार्ट्स को, पाउंड साइन से लहदा लहदा। सबसे पहले डिस्प्ले टेक्स्ट है, उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस है, उसके बाद वेबसाइट का सब एड्रेस है अगर कोई नेक्स्ट पेज है तो उसका एड्रेस, और स्क्रीन टिप है एड्रेस। इसके अलावा इंटरनेट हाइपर लिंक एग्ज़ाम्पल, जैसे गूगल होम में हमने जाना है तो सबसे पहले पेज आएगा, ठीक है। उसके आगे जो उसका पूरा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है www.google.com। इसी तरह डेटाबेस लिंक एग्जांपल देनी है तो सी में पड़ी हुई है फाइल, उसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स में है, आगे फर्दर डेटाबेस .MDB, और आगे जो है वो माई टेबल, ठीक है। इस